चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आदमखोरों के उस आतंक की जिसके अंत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जी हां, क्योंकि अब सरकार और प्रशासन की तरफ से नई प्लानिंग कर ली गई है और इस प्लानिंग के तहत ये कोशिश जारी है कि अब इन आदमखोरों को मार गिराया जाए। जी हां, शूटर्स की तैनाती कर दी गई है, बहराइच में 9 शूटर्स, इसके अलावा जहां जहां यानी कि जिन जिन जिलों में सबसे ज्यादा दहशत इस वक्त आदमखोरों का देखने को मिल रहा है वहां पर 18 शूटर्स कुल मिलाकर तैनात किए गए हैं और लगातार निगरानी इस बात की हो रही है कि जल्द से जल्द इन आदमखोरों को मार गिराया जाए, क्योंकि कल बैठक हुई थी और बैठक के बाद एक नई रणनीति तैयार की गई जिसके तहत ये प्लान बनाया गया है कि अगर ये जो आदमखोर है यानी कि भेड़िये, बाघ और सियार पकड़ में नहीं आते हैं तो उन्हें मार दिया जाए। ये रणनीति तैयार की गई है क्योंकि लगातार देखिए आतंक की खबर सामने आ रही है, एक के बाद एक हमले की खबर सामने आ रही है। जो ये नरभक्षी हैं, इनका आतंक, इनका दहशत कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच देखिए आज भी खबर सामने आई थी जहां बहराइच में अब इन आदमखोरों ने बकरी को निशाना बनाया, यानी कि अब इन्होंने अपनी प्लानिंग चेंज कर ली है और जहां इंसानों की बजाय अब ये मवेशियों को अपना निवाला बना रहे हैं। तो आपको बताते हैं जो खबर इस वक्त आ रही बहराइच से कि भेड़िये ने कैसे शिकार किया, निशाना बनाया बकरी को, यानी आदमखोर भेड़िये का जो आतंक है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग डर में है कि कहीं आप अगला नंबर उनका ना आ जाए, दहशत में है। बहराइच से हर दिन अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। यहाँ पे देखिए बकरी को कैसे निशाना बना लिया भेड़िये ने, लेकिन भेड़िये का आतंक कैसे खत्म होगा, भेड़िये को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि वो भेड़िये जो अभी भी नहीं पकड़े गए हैं उनको पकड़ना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण हो रहा है वन विभाग के लिए। वन विभाग जो लगातार एक्शन में है, वन विभाग जो नई स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है कि अगर अब ये पकड़ में नहीं आते हैं तो फिर मारने की इनको तैयारी की जा रही है। लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे जानवरों को बचाया जाए, क्योंकि आदमखोर जो एक तरफ इंसानों को शिकार बना रहा है तो दूसरी तरफ जानवरों को भी अपना शिकार बना रहा है। लेकिन अब अहम यही है कि वन विभाग जो हर तरह से कोशिश कर रहा है, ड्रोन के जरिए भी ढूंढने की कोशिश की जा रही है, कई जगह इनके पंजों के निशान देखे गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये वो दो भेड़िए जो अभी भी पकड़ में नहीं आए हैं और जो अभी जानकारी मिल रही है वो ये कि एक बकरी को निशाना बनाया गया। राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, वन विभाग हर तरह से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द जो दो भेड़िये नहीं पकड़े गए इनको पकड़ लिया जाए, लेकिन एक और जानकारी मिल रही है कि बकरी को भी निशाना बना लिया गया। देखिए गांव वालों को सतर्कता से, प्रशासन के प्रयास से लगातार लोग घर के अंदर सो रहे हैं, छतों पर सो रहे हैं, भेड़िये को इंसान का शिकार नहीं मिल रहा है, लिहाजा वो बेजुबान पशुओं पे हमला किया है। बीती रात 3 बकरियों पे हमला किया है, लेकिन अभी मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो डाला है, भेड़िया भागता हुआ जो वुल्फ है वो दिखा है, सीधा सीधा उसको ग्रामीण ने जाते हुए देखा है। लेकिन बड़ी बात यह है प्रशासन के निगाहों से अभी वह दूर है, राहगीरों को जरूर मिल रहा है। लेकिन मैं एक जगह आया हूँ, 4 अगस्त की वह काली रात थी जब इस घर से किशन को, 8 वर्षीय किशन को भेड़िया उठा के ले गया। वो इसलिए ले गया कि घर में दरवाजा नहीं था। जी राघवेंद्र, आप बता रहे हैं क्या हुआ था वहां पर, और लखीमपुर से इस वक्त हमारे साथ मीनाक्षी भी लगातार जुड़ी हुई है, लेकिन मीनाक्षी का रुख करें उससे पहले एक बड़ी खबर बताते हैं कि बहराइच में कैसे फिर से दिखा है आदमखोर भेड़िया, लंगड़ा भेड़िया। ये इस वक्त आपको बता दें भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इस बीच वहां पर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम भी मौजूद है, राघवेंद्र वहां पर मौजूद है लगातार, और रिपब्लिक भारत के कैमरे में कैद हुआ है ये देखिए, ये जो भेड़िया है उसको बचाते हुए कैसे भागता हुआ नजर आ रहा है, और जो पैर के निशान है वो देखे गए हैं, और तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, कैद हुआ है ये भेड़िया लिंदीपुर के ठाकुरपुर और भेड़ियों को पकड़ने की कोशिशें वन विभाग की ओर से लगातार है। वहां जो लोग हैं वो भी लगातार सतर्क है, लेकिन अहम यही है कि कब और कैसे इसको पकड़ा जाता है। ये हम दिखा रहे हैं आपको कि कैसे जो भेड़िया है वो खेतों से दौड़ता हुआ नजर आ रहा है, पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी है, और रिपब्लिक का जो कैमरा है उसमें ये भेड़िया इस वक्त कैद हुआ है। जो भेड़िया है वो कैसे चकमा देकर के वन विभाग की टीम को भाग जा रहा है, क्योंकि पकड़ने की कोशिशें हैं, कई जगह पिंजरे बनाए गए हैं, कई जगह जाल बिछाया गया है, लेकिन अभी भी ये जो आदमखोर भेड़िया है ये वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि अभी भी 2 ऐसे भेड़िये हैं जो पकड़ से बाहर है, जो एक तरफ पशुओं को अपना निशाना बना रहे हैं, क्योंकि इंसान किस तरह से अब खुद को बचाए वो दिख रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि कैसे इनको पकड़ा जाए। भेड़िये का आतंक देखिए, भेड़िया देखिए देखिए देखिए
ये देखिए। कानून एक है और एक ही नजर से देखा जाना चाहिए। संजौली शिमला में जो मस्जिद बनी है उसको अवैध करार करके उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। अवैध रूप से जो है हिमाचल में प्लान कर रहे हैं भारी मात्रा में, इनके ऊपर चेक रखने की जरूरत है। हो सकता है रोहिंग्याज हो। और इस वक्त हम आपको हिमाचल की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर मस्जिद को लेकर के जो विवाद है वो बढ़ता नजर आ रहा है। अवैध निर्माण ध्वस्त किया जाए इसकी मांग की जा रही है। ये जो हिंदू संगठन है जो वहां पर इकट्ठा हुए हैं ये साफ तौर पे कह रहे हैं जिस तरीके से सिर्फ एक मंजिल की इजाजत थी फिर कैसे ये चार मंजिल बन गया, ये इसकी इजाजत किसने दी, प्रशासन का जो रवैया रहा उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब आप देख रहे हैं जो लोगों की मौजूदगी है किस तरह से वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो चुका है और इनकी सिर्फ एक मांग है जो अवैध निर्माण किया गया है यानी कि जो तीन और मंजिलें बना दी गई एक मंजिल की परमिशन के बाद उनको ध्वस्त किया जाए। तमाम हिंदू संगठन यहां पर शामिल है। तो वहीं इस पूरे मामले पर राजनीति भी शुरू हो चुकी है क्योंकि इस मामले पर जो अब बयान सामने आ रहे हैं चाहे असदुद्दीन ओवैसी के हों उस पर कांग्रेस भड़क रही है। लेकिन सवाल यह कि अब सुक्खू सरकार क्या करेगी, क्यों अभी तक इसको लेकर के कोई कदम नहीं उठाया गया, क्यों नहीं इस पर बातचीत की जा रही है क्योंकि जो लोगों का गुस्सा है वो हर दिन बढ़ता चला जा रहा है। सरकार के खिलाफ जो नाराजगी है सुक्खू सरकार की वो अब सामने आ रही है। लोग सड़कों पर आ गए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हिमाचल में आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया जा रहा है, क्यों नहीं प्रशासन ने उस वक्त कोई कार्रवाई की, किसकी परमिशन से नक्शा पास किया, किसकी परमिशन से जो निर्माण का कार्य है वो किया गया। और ये जो पूरा मामला है अब ये तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है लेकिन संभाला कैसे जाएगा इस मामले को, कैसे सुलझाया जाएगा ये मामला, ये बहुत इस वक्त एक तरह से कहें कि अहम सवाल है। तो स्थानीय जो लोग हैं वो यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं जो मस्जिद के नाम पर हुए अवैध निर्माण को लेकर बेहद नाराज चल रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने भी इसको लेकर हालांकि चिंता तो जाहिर कर दी है लेकिन जो कदम उठाया जाना चाहिए था वो नहीं है। और जो स्थानीय लोग हैं वो सीधे सीधे इस वक्त ये कह रहे हैं कि नहीं एक्शन हमें चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बातों से ये मामला हल नहीं होगा, सिर्फ आश्वासन को लेकर के ये मामला हल नहीं होगा। और इस मामले को लेकर के सदन से लेकर सड़क तक हंगामा देखने को मिल रहा है। हमने सदन में भी देखा था किस तरह से हंगामा हुआ इस पूरे मामले को लेकर के। लेकिन अब सबसे अहम सवाल है कि क्यों नहीं उस तरफ ध्यान दिया जा रहा है, क्यों नहीं गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि कम से कम लोगों की नाराजगी को दूर किया जाए। तो शिमला के पास दरअसल संजौली है जहां पर ये मस्जिद है जिसमें अवैध निर्माण किया गया, मस्जिद की इमारत में अवैध निर्माण हुआ, एक मंजिल को बनाने की अनुमति थी लेकिन एक साथ उसके ऊपर किस तरह से अवैध रूप से तीन मंजिलों को बना दिया गया। तीन तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मस्जिद को लेकर के जो विवाद है वो गहराता जा रहा है, जो बड़ी संख्या में लोगों का विरोध प्रदर्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है, सड़कों पर इस वक्त लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो एक तरह से कहें सुक्खू सरकार की चिंता बढ़ाने वाली है। ललित इस वक्त सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिमला से। ललित बताइए, लोगों का विरोध तो बढ़ता चला जा रहा है, सरकार ये कह रही है कि हम चिंतित है लेकिन सिर्फ चिंता जताने से क्या होगा, एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा और इनके नाराजगी को दूर कैसे किया जाएगा? सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। ये तस्वीरें इस वक्त शिमला के संजौली की है जहां पर सैकड़ों की तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। सीधे तौर पर जो लोग हैं उनका ये कहना है कि यहां पर जो अवैध तरीके से मस्जिद का निर्माण हुआ है उसको गिरा देना चाहिए और जिसको लेकर तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो नाराज़ है। आप देख सकते हैं लगातार नारेबाजी है वो की जा रही है क्योंकि ये चाहते हैं कि जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण को गिराया जाए। 2010 के बाद ही यहाँ पर जो मस्जिद है उसकी तीन मंजिलों का अवैध तरीके से निर्माण है वो किया गया है जिसको लेकर तमाम तरह से जो लोग हैं वो नाराज़ है। कुछ हिंदू संगठन के लोग इस वक्त हमारे साथ, उन्हीं से बात कर लेते हैं किस बात को लेकर नाराज़गी है।
देखिए जिस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पर आके अराजकता फैला रहे हैं और जो यहाँ के लोकल रेजिडेंट हैं उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, इवन मर्डर तक करने की कोशिश उन्होंने की है, उस चीज़ को लेकर और साथ में इस संजोली क्षेत्र में जो एक अवैध मस्जिद बन रही जा रही है उसका विरोध करने के लिए हिंदू समाज इकट्ठा हुआ है। और अब ये चिंगारी जो है ये उठ चुकी है और आज की स्थिति ये है कि किसी भी हालत में हम किसी भी अराजक तत्व को यहाँ पर जो है शिमला में और हिमाचल प्रदेश में रहने नहीं देंगे। आप क्या चाह रहे हैं कि अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ